दोस्तों कैसा हो अगर पृथ्वी का वातावरण खराब होने की वजह से सभी इंसानों को पृथ्वी छोड़कर किसी नए प्लेनेट पर जाना पड़े जहां एलियंस रहते हो और फिर कुछ इंसान 1000 साल बाद पृथ्वी पर वापस लौट कर आएं और उनका सामना बहुत ही खतरनाक क्रिएचर से हो। जी हां, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। और किस तरह हमारी फिल्म का हीरो उन क्रिएचर्स का सामना करता है इसका पता हमें वीडियो में आगे चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड लेट्स बिगिन दी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि कई सारे नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स की वजह से पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बची थी, इसीलिए इंसानों को पृथ्वी छोड़कर अपने लिए एक नए प्लेनेट की तलाश शुरू करनी पड़ती है। और बहुत जल्द उन्हें नोवा प्राइम नाम का एक प्लेनेट मिलता है जहाँ का एनवायरमेंट इंसानों के लिए एकदम परफेक्ट था। लेकिन नोवा प्लेनेट पर पहले से ही कुछ एलियंस रहा करते थे और वो इंसानों को अपने प्लेनेट से भगाने के लिए उनके ऊपर कई सारे खतरनाक क्रिएचर्स छोड़ देते हैं जिनका नाम आरसा है। इस क्रिएचर की खास बात ये थी कि इसे दिखाई नहीं देता, लेकिन आरसा दूर से ही इंसानों के डर और घबराहट को फील करके उनका पता लगा लेता है और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार देता है। लगभग 1000 साल बाद मिलिट्री के सोल्जर्स आरसा को हराने का तरीका ढूंढ लेते हैं। दरअसल मिलिट्री कमांडर साइफर ने घोस्टिंग नाम की एक टेक्निक का पता लगाया है जिसकी मदद से वो अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है, जिस वजह से आरसा को साइफर की मौजूदगी का पता नहीं चलता और साइफर बड़ी ही आसानी से उसे मार देता है। साइफर की टेक्निक का इस्तेमाल करके मिलिट्री सोल्जर्स बड़ी ही आसानी से इन सभी क्रिएचर्स को हरा देते हैं और शांति के साथ नोवा प्लेनेट पर रहने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ टीनेजर्स को मिलिट्री की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है जिनमें साइफर का बेटा किटाई भी शामिल है जो एक सोल्जर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। कई साल पहले किटाई की जान बचाते हुए उसकी बहन शैनशी आरसा के हाथों मारी गई थी, इसीलिए किटाई एक सोल्जर कर आरसा के अगेंस्ट लड़ना चाहता है। मिलिट्री की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कमांडर किटाई को बताता है कि तुमने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन फील्ड में लड़ाई के दौरान तुम्हें काफी डर लगता है, इसीलिए कमांडर किटाई को रिजेक्ट कर देता है और अगले साल फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। ये सुनकर किटाई को अपने आप पर काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर साइफर अपना एक मिशन पूरा करने के बाद घर लौट आता है और अपनी वाइफ फाइया को हग करता है। रात के वक्त खाना खाने के दौरान साइफर किटाई से पूछता है कि बेटा इस साल तो तेरा मिलिट्री में सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिस पर किटाई कहता है कि सॉरी डैड, इस साल मिलिट्री में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। डिनर के बाद साइफर फाइया को बताता है कि कुछ सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए मैं कल एक नए मिशन पर जा रहा हूँ और ये मेरा लास्ट मिशन होगा जिसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। फाइया साइफर से कहती है कि तुम अपने साथ किटाई को भी ले जाओ ताकि वो सीख सके कि एक सोल्जर होने का क्या मतलब होता है। साथ ही वो साइफर को ये भी बताती है कि किटाई शैनशी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अगले दिन साइफर अपने बेटे किटाई को लेकर मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और आरसा के साथ सोल्जर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए एक आरसा को भी कैद करके शिप में चढ़ा दिया जाता है। तभी साइफर से मिलने एक एक्स सोल्जर आता है जिसने लड़ाई के दौरान अपनी एक टांग खो दी थी। वो सोल्जर अपनी एक टांग पर खड़े होकर साइफर को सैल्यूट करता है क्योंकि एक लड़ाई के दौरान उसने उसकी जान बचाई थी। सोल्जर साइफर की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं ये देखकर किटाई को अपने पिता पर गर्व होता है। इसके बाद साइफर अपने बेटे और सोल्जर्स के साथ स्पेसशिप में बैठकर ट्रेनिंग लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ता है। साइफर किटाई से कहता है कि अपनी सीट बेल्ट लगा लो और बाकी सोल्जर्स की तरह थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि कल का दिन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। लेकिन किटाई को नींद नहीं आती और वो अपना टाइम पास करने के लिए जहाज के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाता है जहां पर आरसा को लॉक करके रखा गया है। लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स जो आरसा को गार्ड कर रहे थे किटाई को वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर सभी को बताता है कि किटाई हमारे कमांडर साइफर का बेटा है। ये जानकर सोल्जर्स किटाई को आरसा के नजदीक जाने की परमिशन दे देते हैं और देखते हैं कि क्या किटाई भी अपने पिता की तरह फियरलेस है या नहीं। जैसे ही किटाई आरसा के नजदीक जाता है वो उसके डर को फील कर लेता है और उस पर घुर्राने लगता है। वहीं दूसरी ओर साइफर की नींद खुल जाती है और उसके हाथ में लगी एक रिंग की तरह दिखने वाली डिवाइस से स्पेसशिप का ग्रेविटेशनल बैलेंस चेक करने पर उसे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। साइफर तुरंत किटाई को अपने पास बुलाता है और सीट बेल्ट बांधकर बैठने के लिए कहता है। अचानक से स्पेसशिप के सामने कई सारे एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं जिस वजह से स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है।
एस्ट्रॉइड से बचने के लिए पायलट एक आर्टिफिशियल वॉर्म होल क्रिएट करता है और उसके थ्रू ट्रेवल करते हुए स्पेसशिप एस्ट्रॉइड शावर से बाहर निकल आता है। लेकिन एस्ट्रॉइड्स के टकराने की वजह से स्पेसशिप काफी डैमेज हो गया था, इसीलिए अब जल्द से जल्द स्पेसशिप को किसी नजदीकी प्लेनेट पर लैंड कराना होगा। तभी पायलट की नजर एक प्लेनेट पर पड़ती है और हमें पता चलता है कि ये प्लेनेट अर्थ है, जिसे इंसानों ने लगभग 1000 साल पहले छोड़ दिया था। साइफर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो अर्थ पर लैंड करने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक से स्पेसशिप कंट्रोल से बाहर हो जाता है और क्रैश होता हुआ अर्थ पर जा गिरता है। कुछ देर बाद किटाई को होश आता है और वो देखता है कि स्पेसशिप दो हिस्सों में टूट गया है। जहाज का वो हिस्सा कहीं गायब है जिसके अंदर आरसा को रखा गया था। किटाई को चारों तरफ सोल्जर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती है। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है और अपने पिता को जिंदा देख किटाई की जान में जान आ जाती है। क्रैश लैंडिंग की वजह से साइफर के दोनों पैर बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, जिस वजह से उसका चल पाना इम्पॉसिबल है। साइफर किटाई को स्पेसशिप में रखे एक बीकन को लाने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वो अपने नोवा प्लेनेट पर एक इमरजेंसी सिग्नल भेजकर मदद बुला सकते हैं। लेकिन जहाज क्रैश होने की वजह से वो बीकन पूरी तरह से डैमेज हो गया था, जो अब किसी काम का नहीं रहा। साइफर कंट्रोल पैनल की मदद से, जो अभी भी काम कर रहा था, स्पेसशिप के दूसरे हिस्से का पता लगाने की कोशिश करता है, ताकि उसमें रखे दूसरे बीकन की मदद से इमरजेंसी सिग्नल भेजा जा सके। तभी उन्हें पता चलता है कि जहाज का दूसरा हिस्सा उनकी लोकेशन से लगभग 100 किलोमीटर दूर क्रैश होकर गिरा है। साइफर के लिए एक कदम भी चल पाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो अपने बेटे को समझाता है कि अगर हम दोनों को इस प्लेनेट से जिंदा बचकर निकलना है तो तुम्हें अकेले ही उस दूसरे बीकन को लाना होगा। साइफर किटाई को बताता है कि पिछले 1000 सालों में अर्थ पूरी तरह से बदल गई है और यहाँ के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। साइफर किटाई को ऑक्सीजन के 6 कैप्सूल देता है और कहता है कि हर 20 घंटे में एक कैप्सूल लेने पर तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा और तुम्हारे सूट पर लगे कैमरे और हाथ पर लगे कम्युनिकेटर की मदद से मैं तुम्हें हर वक्त गाइड करता रहूंगा। साथ ही वो उसे अपना सीक्रेट वेपन भी देता है, ताकि रास्ते में मिलने वाले खतरनाक जानवरों से किटाई अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद किटाई जहाज के दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए अपना सफर शुरू करते हुए एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है, जहां से उसे पृथ्वी का बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। साइफर किटाई से कहता है कि रात के वक्त पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिसे बर्दाश्त कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इसीलिए रात होने से पहले तुम्हें जंगल के अंदर कोई गर्म जगह ढूंढनी होगी जहाँ तुम अपनी जान बचा सको। इसके बाद साइफर अपने पैर की टूटी हड्डी को ठीक करने की कोशिश करता है और दर्द कम करने के लिए एक पेन किलर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। वहीं किटाई जंगल में काफी दूर निकल आया है। तभी साइफर उसे बताता है कि कोई चीज तुम्हारी तरफ बहुत ही तेजी से आ रही है। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि अजीब से दिखने वाले बंदरों का एक झुंड है। किटाई को अकेला देख बंदर उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर साइफर किटाई को वहां से भागने के लिए कहता है और किटाई बंदरों से अपनी जान बचाता हुआ एक नदी में कूद जाता है। पानी के अंदर जाने की वजह से बंदर किटाई का पीछा करना बंद कर देते हैं। नदी के अंदर कूदने के दौरान किटाई के हाथ पर खून चूसने वाली एक जहरीली जोंक चिपक गई थी। किटाई तुरंत उस जोंक को अपने हाथ से हटा देता है, लेकिन तब तक जोंक का जहर उसकी बॉडी में फैल जाता है, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। साइफर किटाई को मेडिकल किट से एंटीडोट लेने के लिए कहता है, जिस पर किटाई तुरंत एंटीडोट निकालकर अपने सीने में इंजेक्ट कर लेता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद साइफर किटाई को जगाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि थोड़ी ही देर में रात होने वाली है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द जंगल के अंदर कोई हॉट स्पॉट ढूंढना होगा जहां पर तुम रात भर अपने आप को ठंड से बचा सको। एंटीडोट लेने की वजह से किटाई पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब वो साइफर की बात सुनकर हॉट स्पॉट ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं साइफर अपने पैर में लगी चोट को ठीक करने के लिए एक छोटी सी सर्जरी करता है। कुछ देर बाद किटाई जंगल के अंदर अपने लिए एक हॉट स्पॉट ढूंढ लेता है और हमें पता चलता है कि बंदरों से अपनी जान बचाने के दौरान किटाई के 2 ऑक्सीजन कैप्सूल टूट गए थे। किटाई ये बात साइफर को नहीं बताता है, क्योंकि अगर साइफर को इस बात का पता चला तो वो उसे मिशन छोड़कर तुरंत अपने पास वापस बुला लेगा। किटाई रात में उस हॉटस्पॉट वाली जगह पर आराम करता है और अगले दिन अपना सफर फिर से शुरू कर देता है। आगे जाने पर किटाई के सामने एक बहुत ऊंचा वाटरफॉल आता है। जहाज के दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए उसे वाटरफॉल पार करके नीचे जाना होगा। साइफर किटाई से कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कितने ऑक्सीजन कैप्सूल बचे हैं। और जब साइफर को इस बात का पता चलता है कि किटाई के पास ऑक्सीजन के सिर्फ 2 ही कैप्सूल बचे हैं, तो वो उसे तुरंत मिशन छोड़कर अपने पास वापस आने के लिए कहता है।
तभी किटाई को अपने पास्ट का एक सीन याद आता है कि कैसे उसकी बहन ने अपने भाई यानी कि किटाई की जान बचाने के लिए आरसा के हाथों अपनी जान गंवा दी थी। किटाई अपनी और साइफर की जान बचाना चाहता है, इसीलिए वो साइफर का ऑर्डर मानने से मना कर देता है और नीचे जाने के लिए वॉटरफॉल से जंप कर जाता है। तभी एक बहुत बड़ा ईगल किटाई का पीछा करने लगता है। किटाई उस ईगल से अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसके हाथ में लगा कम्युनिकेटर टूट जाता है। वो ईगल काफी बड़ा और पावरफुल था, इसीलिए वो किटाई को पकड़कर अपने घोंसले में ले जाता है, जहां हमें उस ईगल के कई सारे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। तभी जंगली तेंदुओं का एक झुंड ईगल के बच्चों को खाने के लिए उसके घोंसले में घुसने की कोशिश करता है। किटाई ईगल के बच्चों को बचाने में ईगल की मदद करता है, लेकिन तेंदुओं के साथ लड़ाई के दौरान ईगल के सभी बच्चे मारे जाते हैं। किटाई घोंसले से बाहर निकलकर नीचे आ जाता है और देखता है कि वो ईगल अपने बच्चों के मरने की वजह से काफी दुखी है। इसके बाद किटाई अपना सफर कंटिन्यू करता है और साइफर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर साइफर भी सैटेलाइट मॉनिटर की मदद से किटाई को ढूंढ रहा था और तभी उसकी नजर दो मरे हुए सोल्जर्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों सोल्जर्स को आरसा ने ही मारा होगा। वहीं किटाई जंगल में आगे बढ़ रहा था और रात होने पर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो एक गुफा ढूंढ लेता है। अगली सुबह किटाई जंगल में आगे बढ़ता हुआ एक नदी के पास पहुंच जाता है और अपना आखिरी बचा हुआ ऑक्सीजन कैप्सूल लेकर नदी पार करने के लिए एक बोट बनाता है। नदी पार करने के दौरान किटाई की आंख लग जाती है और वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से पूरी नदी जम गई है। किटाई तुरंत नदी से बाहर निकल आता है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। कुछ देर बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है कि किटाई ठंड से अकड़कर नीचे गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। तभी कोई अनजान चीज किटाई को अपनी ओर खींच कर ले जाती है और जब किटाई की आंख खुलती है तो वो अपने आप को कुछ पत्तों के नीचे छुपा हुआ पाता है। बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि उसने जिस ईगल के बच्चों को बचाने में मदद की थी उसी ईगल ने रात भर किटाई को अपने शरीर की गर्मी देकर ठंड से बचाया है, लेकिन वो ईगल खुद रात भर ठंड में बाहर रहने की वजह से मारा जाता है। ये देखकर किटाई को बहुत अफसोस होता है। कुछ देर बाद ऑक्सीजन की कमी से किटाई की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन तभी उसे जहाज का एक टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है। किटाई तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर जहाज के दूसरे हिस्से का पता लगा लेता है और वहां पहुंचते ही वो सबसे पहले ऑक्सीजन कैप्सूल लेता है। उसके बाद वो साइफर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कम्युनिकेटर में खराबी आने की वजह से किटाई की आवाज तो साइफर तक पहुंच रही थी, लेकिन किटाई साइफर की आवाज नहीं सुन पा रहा था। इसके बाद किटाई उस दूसरे बीकन की मदद से इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ काफी क्लाउड्स होने की वजह से सिग्नल नहीं जा पाता है। तभी किटाई की नजर एक माउंटेन पर पड़ती है और वो सोचता है कि अगर माउंटेन के ऊपर जाकर सिग्नल भेजा जाए तो शायद नोवा प्लेनेट से कांटेक्ट किया जा सकता है। किटाई तुरंत माउंटेन के ऊपर जाने के लिए निकल पड़ता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक मरा हुआ सोल्जर मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। तभी आरसा किटाई के डर को फील करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। साइफर को भी इस बात का पता चल जाता है कि आरसा किटाई के ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन कम्युनिकेटर खराब होने की वजह से वो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। किटाई आगे बढ़ते हुए माउंटेन के अंदर एक गुफा में पहुंच जाता है। किटाई के आते ही आरसा उसके ऊपर अटैक कर देता है और किटाई अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए गुफा के अंदर मौजूद एक कुएं में गिर पड़ता है। किटाई तैरकर पानी से बाहर निकल आता है और पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। तभी आरसा किटाई का पैर पकड़ लेता है, लेकिन किटाई उसे लात मारकर नीचे पानी में गिरा देता है और ऊपर चढ़ता हुआ पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। आरसा के ऊपर आने से पहले किटाई जल्दी से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आरसा वहां आकर उसे पकड़ लेता है और उठा उठाकर पटकने लगता है। तभी किटाई को अपनी बहन का ख्याल आता है और वो सोचता है कि अगर उसे अपनी और अपने पिता की जान बचानी है तो उसे अपने डर को पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा। अपनी मौत को इतनी करीब से देखकर किटाई का सारा डर खत्म हो जाता है, जिस वजह से आरसा को उसकी मौजूदगी का एहसास होना बंद हो जाता है और फिर किटाई एक बहादुर सोल्जर की तरह आरसा के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है। वहीं साइफर ये सब कुछ सैटेलाइट मॉनिटर की मदद से देख रहा था। इसके बाद किटाई बीकन की मदद से इमरजेंसी सिग्नल भेज देता है और कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वहां आकर उन दोनों की जान बचा लेती है। मूवी के लास्ट सीन में हम साइफर को सभी सोल्जर्स के सामने अपने बेटे को सैल्यूट करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने बड़ी ही बहादुरी से आरसा को मारकर उसकी जान बचाई है। इसके बाद बाप बेटे दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यहीं पर इस शानदार मूवी की एंडिंग हो जाती है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके अपने फिल्मी बादशाह YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की मजेदार वीडियोस हम आपके पास तक आसानी से पहुंचाते रहें।